अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारू खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेक श्योर यू ऑल हैव सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो इन दिस वीडियो वी कवर एक्सरसाइज MCQs ऑफ चैप्टर 6 ग्रेविटेशन। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट MCQ है हमारे पास कि द सन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द प्लैनेट दैट्स कीपिंग देम इन देयर। तो देखें, जो प्लैनेट होता है ना उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है सन। क्यों? क्योंकि वो जो है ना वो अपने ऑर्बिट में रहें। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास 3 है। अब हमारे पास जो है ना वो MCQ नंबर बी है। द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द अदर बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर इज गिवन बाय। तो देखें, ये आप लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें हमारे पास फोर्स का जो है ना वो फॉर्मूला दिया हुआ है कि फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन, जो कॉन्स्टेंट होता है मास ऑफ अर्थ। और यहाँ पे हमारे पास अर्थ की बात हो रही है तो हमने ME लिखा है और RE रेडियस ऑफ अर्थ, RE स्क्वायर लिखा है। वरना क्या होता है कि MMM होते हैं और फिर हमारे पास RE स्क्वायर होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास 2 है। अब हमारे पास MCQ नंबर सी है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी कैन ऑल्सो भी एस्टिमेटेड बाय नोइंग द। तो देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जी जो है ना वो कॉन्स्टेंट होती है और बाकी जो है ना वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं अगर हमें मास ऑफ अर्थ पता हो। तो इस वजह से हम जो है ना वो इसको एस्टिमेट भी कर सकते हैं। बाकी MCQ नंबर डी है हमारे पास कि इफ़ वी गो अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अ डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल कम। तो याद रखें कि अगर हम सर्फेस ऑफ अर्थ से जाते हैं, कितना ऐसे जाएंगे कि हमारे पास जो डिस्टेंस है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए। तो याद रखें कि वो जो ग्रेविटी होती है ना वो 1/4 होती है ना। वो आप इक्वेशन यूज़ करते हैं, जी हमारे पास होता है और क्या है, जी पे हम जो है वो डैश लगा देते हैं, अपॉन जी होता है RE अपॉन RE प्लस एच होता है, और REH पे हमारे पास जो है ना वो RE प्लस एच पे होल स्क्वायर होता है। तो क्या होगा कि इसमें जो है ना वो आप RE की जगह 1/4 G रखिएगा तो हमारे पास क्या होगा कि एच जो है ना वो हमारे पास आ जाता है RE के बराबर। तो ये होता है कि मतलब डिस्टेंस जो है ना वो हमारे पास जो है वो RE के बराबर हो जाता है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाता है। तो जी जो है ना वो 1/4 होती है। अब जो है ना वो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास MCQ नंबर ई है कि द वेट ऑफ अ बॉडी इज। तो याद रखें कि वेट ऑफ अ बॉडी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, हमारे पास 1 होगा। सो दैट्स इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस MCQ सो लेट मी नो, इंशाल्लाह आई विल टेल यू एंड सॉल्व योर क्वेरी। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। अल्लाह हाफिज। है ना वो प्रीलियम्स पेपर सॉल्व करवाऊंगी, सो प्लीज़ मुझे अपने कॉलेज के प्रीलियम्स पेपर DM कर दें इंस्टाग्राम पे। सो जो है मैं आप लोगों को स्टार्ट करवा दूंगी।